नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का है। कहा गया द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशंस ए बी एंड सी। देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया, इलिप्टिकल पाथ है। तो ये है पॉइंट ए बी और ये है सी। ये जो है ए, ये पेरिजी है, ये एपोजी है, सबसे नज़दीक वाला पॉइंट जो है वो ए है। कहा गया कि एट पोजीशंस ए बी एंड सी आर के ए के बी के जी, है ना। तीन डिफरेंट पोजीशन पर प्लैनेट का काइनेटिक एनर्जी बताया गया। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी के ए, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी के बी और पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी के सी है। ए सी इज द मेजर एक्सिस एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एट द पोजिशन ऑफ द सन एस। ये सन का पोजिशन है, तो यहां पर ए सी लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है बी वाला, जो बी एस लाइन है ना। तो ये कहा गया सन एस एज शोन इन द फिगर। देन अब बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जीज हैं इनका ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें पता है कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम लोग एम वी इंटू ये आर ले सकते हैं डिस्टेंस। तो देखेंगे कि जो प्लैनेट है उसका मास तो बदलेगा नहीं। अब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो वी चेंज होगा, क्योंकि ये एल कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक। तो देखेंगे कि ए जो है सबसे पास में है, उसके लिए आर सबसे कम है, तो स्पीड सबसे ज्यादा होगा, है ना। यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ही सबसे ज्यादा होगा ए पर, ठीक। सी जो है सबसे दूर है, यानी आर सबसे बड़ा है, तो वी वहां पर सबसे कम होगा, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा सी पर, ठीक। बी जो है इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ इनके बीच में आएगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, के ए सबसे ज्यादा है, के बी उससे कम और के सी सबसे कम होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है ये सही ऑप्शन है यहां पर, है ना। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, यह भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड सवाल है। कहा गया इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर। सन का मास जो है वो 10 टाइम्स छोटा कर दिया और जो ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट होता है जी इसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो यहां पर बता रहा है कि चेंज होंगे या नहीं होंगे बताना है हमें। तो जैसे पहला ऑप्शन में दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, है ना। हमें पता है कि जो सन का मास है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है, है ना। ये क्या होता है, ये होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये एम जो है ये अर्थ का मास होता है ना। तो सन का मास तो यहां पर कोई फैक्टर ही नहीं है। अब चूंकि यहां पर जी बढ़ा दिया गया है, जी जो है वो 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसके 10 टाइम बढ़ने से क्या होगा कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का जो कि होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जी 10 टाइम्स बढ़ेगा तो टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, वो डिक्रीज। तो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। हमें इन करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अगला ऑप्शन की बात करते हैं। कहा गया वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, है ना। चूंकि जी बढ़ गया तो हमारा ओब्वियसली वेट भी बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी कर सकते हैं कि ज्यादा हो सकता है। अब वैसे ही वेट अगर ज्यादा होगा हमारा तो हमारा जो थकावट है वो ज्यादा होगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ऑप्शन बी जो है ये भी सही ऑप्शन है। सी कहा गया रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। चूंकि जी का वैल्यू बढ़ गया तो रेन ड्रॉप्स जो है उनका एक्सेलरेशन बढ़ गया, रेन ड्रॉप्स का एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उनका स्पीड भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन सी भी सही है, है ना। डी ऑप्शन कह रहा है कि जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, जबकि हमें पता है जी चेंज हो जाएगा, है ना। जी जो है वो 10 टाइम्स लार्ज हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन इसमें गलत है और ये है डी वाला, है ना। ये गलत ऑप्शन है और ये गलत वाला ही हमें सिलेक्ट करना है, इनको सिलेक्ट नहीं करना है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन से रिलेटेड है. कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं तो हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है. पहला स्टेटमेंट कहा गया है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन. जैसा कि हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो है किसी बॉडी के मोशन को हेल्प भी कर सकता है, किसी बॉडी के मोशन को अपोज भी कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है. और इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है. हमें करेक्ट ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो जो बी ऑप्शन है इसमें कहा गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ये स्टेटमेंट भी सही है. हमें पता है जो लिमिटिंग वैल्यू होता है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, यानी एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये भी सही ऑप्शन है. सी ऑप्शन में कहा गया रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कहने का मतलब यह है कोई बॉडी जो है वो रोल करके चलता है या स्लाइड करके चलता है तो दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. तो कौन सा फ्रिक्शन कम होगा, अगर रोल करके चलेगा तो कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है. और इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है. तो चौथा जो है अपने आप जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. एक बार देखते हैं क्या है. ये कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना. तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. हमें पता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. तो आप देख सकते हैं कि जो म्यू के है उसको मैं लिख सकता हूँ एफ के बाई एन. तो ये फ्रिक्शन भी फोर्स है और नॉर्मल भी फोर्स है, दोनों का डायमेंशन इक्वल है और इसलिए म्यू के जो है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. जबकि इस ऑप्शन में बताया गया कि इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होता है. तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है, हमें इसी को गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ठीक, इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर. अगला सवाल जो एक तरह से काइनेमेटिक्स का सवाल है. कहा गया टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है और चार्ज चूंकि फिक्स्ड है तो उस पर फोर्स भी कांस्टेंट लगेगा. फोर्स कांस्टेंट लगेगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा. तो एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो काइनेमेटिक्स के जो चार इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसको यूज कर सकते हैं. अब आगे कहा गया ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 meter per second इन 1 second ड्यूरेशन. तो इससे हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. तो फाइनल है 6, इनिशियल 0 और टाइम है 1 second. तो 6 meter per second square का एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को मिल रहा होगा या टॉय कार को मिल रहा होगा. अब कहा गया एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड. पहले तो हम लोग ये पता करते हैं कि इस 1 second में ये डिस्टेंस कितना चला होगा. सपोज यहां से चलना शुरू किया, यहां इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो 1 second में ये कितना चला होगा, है ना. तो 1 second में डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू 0 है तो हाफ ए इंटू टाइम 1 second का है स्क्वायर. तो ये आ गया 3 meter. अब यहां पर इसकी वेलोसिटी 1 second बाद 6 meter per second बताई गई है. इसके बाद यहां तक तो एक्सेलरेशन था ऐसे 6 meter per second square. उसके बाद इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया एक्सेलरेशन का, है ना. पहले राइट वर्ड डायरेक्शन में था तो अब लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में हो गया होगा. अब इसकी वेलोसिटी घटेगी. ठीक, तो आगे क्या कहा गया कि जब डायरेक्शन रिवर्स हो गया उसके बाद द कार कंटिन्यूस टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड. ये जो फील्ड है इसके इन्फ्लुएंस में 2 second और चलता है. तो पहले हमें यह पता करना होगा कि कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि डी एक्सेलरेशन है. और यहां पर 1 second में वेलोसिटी 6 आया था तो 1 second में इसकी वेलोसिटी 0 भी होना चाहिए. इसे चेक कर सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, है ना. फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 होना है
फाइनल वेलोसिटी जीरो होना है। यहां पर मैं इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूं सिक्स, ये सिक्स है, और एक्सेलरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में सिक्स ही है, और टाइम है टी। तो देखेंगे यहां से टी का वैल्यू आएगा वन सेकेंड, तो एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ऑब्वियसली यहां से यहां जाने में फिर से इसने 3 मीटर चला होगा। पता कर सकते हैं कैसे, ये हो गया सिक्स मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मुलाइज करता हूं तो यू टी का वैल्यू वन माइनस हाफ, माइनस इसलिए लग रहा हूं क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। ये देखेंगे ये अब वापस आएगा 3 मीटर, है ना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एक्सेलरेशन अगर रह गया तो चूंकि पार्टिकल रुक गया है, ट्वाइकर रुक गया है, तब ये उल्टा चलने लगेगा, मुड़ जाएगा, ये मुड़ करके ऐसे चलेगा, ठीक। तो एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा है, अगले एक सेकेंड में ये फिर वापस यहां पहुंचेगा। चेक कर सकते हैं, अब यहां पर वेलोसिटी जीरो है और इधर एक्सेलरेशन सिक्स है, है ना। यहां डायरेक्शन रिवर्स हुआ था एक्सेलरेशन का, तो वो एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है ना। तो एक सेकेंड बाद ये फिर से यहां चलकर के 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उल्टा डायरेक्शन में। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी ये ले लेता हूं जीरो इंटू टाइम वन सेकेंड यू टी, ये निगेटिव में ले सकते हैं चाहे तो, इधर माइनस हाफ एक्सेलरेशन है सिक्स, है ना, और टाइम वन सेकेंड, तो ये आ गया कितना -3 मीटर। -3 मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में गया है, तो 3 मीटर इधर गया है, मतलब टोटल ये 3 सेकेंड चला। एक सेकेंड तो यहां से यहां का, फिर एक सेकेंड यहां से यहां जीरो होने तक, फिर एक सेकेंड यहां से यहां तक, है ना। पहले 1 सेकेंड चला था, फिर 2 सेकेंड कहा गया, तो 2 सेकेंड बाद वापस यहां पर पहुंचा होगा। अब पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ये 0 से 3 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या देखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ, 3 सेकेंड बाद ये घूम करके यहां आया है, यानी 3 मीटर जो चला था पहले सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट उतना ही रह गया इसका 3 सेकेंड के बाद भी। तो डिस्प्लेसमेंट तो है 3 हुआ, और टाइम भी यहां से यहां तक 3 सेकेंड लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, यहां हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था, यहां पर लेते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस देखेंगे 3 मीटर ये गया, फिर 3 मीटर ये गया, और फिर 3 मीटर उल्टा चला, तो टोटल 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस चला 9 और टाइम टोटल 3 सेकेंड लिया है, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया 3 मीटर पर सेकेंड, जबकि एवरेज वेलोसिटी आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया है एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो पहला ऑप्शन जो है, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 रोटेशन से रिलेटेड है। कहा गया अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों ही एनर्जी साथ साथ में हमेशा रहते हैं। तो बताना है द रेशियो ऑफ के टी मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड के टी प्लस के आर, मतलब ये टोटल एनर्जी, ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्फेयर। तो हमें पता है अगर बॉडी रोटेट कर रहा है, जैसे स्फेयर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मान लेते हैं, है ना, ये चूंकि रोलिंग कर रहा है ना ये, तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोल कर रहा होगा ओमेगा से और वी से ये चल रहा होगा, तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। चूंकि रोलिंग मोशन हो रहा है तो ओमेगा आर को वी लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा
एम वी स्क्वायर बाई फाइव, चूंकि यहां पर v जो है ओमेगा आर के इक्वल होता है, तो ये आ गया रोटेशनल और ये आ गया ट्रांसलेशनल। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यानी रोटेशन और ट्रांसलेशन को ऐड कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वन बाई फाइव एम वी स्क्वायर, यह आएगा सेवन बाई टेन एम वी स्क्वायर। तो यहां पर रेशियो बताना है ट्रांसलेशनल का और के टी प्लस के टोटल का। तो ट्रांसलेशनल देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर और टोटल है ये सेवन बाई टेन एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, और टू से टेन को भी कैंसिल कर सकते हैं तो ये आएगा फाइव बाई सेवन, फाइव इज टू सेवन रेशियो आ गया। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है। कहा गया स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वो एनर्जी का लॉस कराता है। लॉस कराने का मतलब है कि वो हीट के फॉर्म में सिस्टम से बाहर एनर्जी को भेज देता है ना, तो हीट निकलता है यहां पर। तो कहा गया द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी है ना। तो हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है सिक्स पाई एटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है ये होता है टू बाई नाइन आर स्क्वायर बाई जी सिग्मा माइनस रो, ऐसे आएगा। अब देखेंगे कि जो पावर होता है, पावर का मतलब है हीट ऑफ रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, उसको हम लोग डी एच बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ऐसे पावर ही है, विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका रेट ऑफ वर्क डन जो है वो एनर्जी को लॉस करा रहा होगा एक्चुअली में, मतलब जिस रेट से ये वर्क कर रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क करता है तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर डेवलप्ड बाई विस्कस फोर्स है ना। तो ये जो है एक्चुअली में ये दोनों जो है अपोजिट होते हैं, इसलिए निगेटिव आएगा ना यहाँ पर। तो निगेटिव लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है एनर्जी लॉस हो रहा है, वो निगेटिव साइन वही इंडिकेट करता है। अब जो ये है रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, तो ये विस्कस फोर्स है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला यहां से अगर रखेंगे सिक्स पाई एटा आर वी टी, और एक वी टी यहां पर है तो वी टी स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू यहां से अगर इसमें रखेंगे तो सिक्स पाई एटा आर वी टी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 81 आर पावर 4 बाई जी स्क्वायर सिग्मा माइनस रो का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पावर है यानी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर पावर 4 यहां पर है और आर यहां पर है, तो ये आर पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा है ना, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं जो कि हीट ट्रांसफर का सवाल है। कहा गया द पावर रेडिएटेड बाई ए ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट ठीक। तो हमें पता है एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, वह कहता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है या कहें कि मैक्सिमम रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लैम्डा नॉट वेवलेंथ दिया हुआ है और जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं कि टी है, एक कांस्टेंट आता है यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी, जिसको विंस कांस्टेंट कहा जाता है, ये हो जाएगा बी बाई टी। ये तो हो गया शुरू में ठीक। इसके बाद आगे कहा गया इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाई 4। तो अब जो है वेवलेंथ चेंज कर दिया, एक्चुअली में टेम्परेचर चेंज किया है, तो ये मैक्सिमम रेडिएशन करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो गया है ना। तो अब नया वेवलेंथ जो आएगा लैम्डा
उसकी वैल्यू यहां पर दी गई है 3λ/4 इज इक्वल टू बी बाई नया टेम्परेचर है टी डैश। ठीक, अगर मैं इनका रेशियो निकालू, इसको इससे मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू टी डैश बाई टी, है ना, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये भी उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो टी डैश है इसकी वैल्यू, या ऐसे रेशियो रहने देते हैं। अब हमें निकालना यहां पर पावर, हमें पता है कि जो स्टीफेंस लॉ होता है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है, जो पावर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पावर है। तो शुरू में जब पावर था पी तो टेम्परेचर था टी, है ना, अब पावर मान लिया टी डैश हो गया तो अब टेम्परेचर टी डैश हो गया। इनका रेशियो निकालेंगे, पी डैश बाई पी इज इक्वल टू टी डैश बाई टी पावर 4। अब यहां पर टी डैश बाई टी जो है वो हमें पता है 4/3 हो, है ना, 4/3 पावर जो है यहां पर 4 है। ठीक, अब p डैश की जो वैल्यू है वो बताया गया है कि वो n p है, जब वेवलेंथ इतना हो जाता है तो पावर n टाइम्स p हो जाता है, तो मैं p डैश को यहां पर रखूंगा n p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 256 और नीचे आ जाएगा 81, तो p और p कैंसिल हो गया, n का वैल्यू आएगा 256/81। और ये n का वैल्यू हमसे पूछा गया था, है ना, कहा गया था सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3λ0/4 द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स एन पी। मतलब पहले जब वेवलेंथ लैम्डा नॉट था तो पावर p था, जब वेवलेंथ इतना हो गया तो पावर जो है एन पी हो गया, है ना। तो वेवलेंथ को पहले हमने टेम्परेचर से रिलेट करा और टेम्परेचर को हमने पावर से रिलेट करा, और इस तरह से n का वैल्यू जो है ये आया 256/81, है ना। तो ये जो आंसर है ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 जो है इलास्टिसिटी का सवाल है। कहा गया टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। अब यहां पर यह कह सकते हैं कि चूंकि वॉल्यूम जो है वो सेम दिया गया है तो लेंथ इनटू एरिया जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो जो सेकेंड वायर है इसको अगर L1 कहते हैं, ये पहले वायर का एरिया था तो ये हो गया वॉल्यूम, दूसरे वायर का लेंथ L2 और एरिया 3A ले सकते हैं ना, तो यहां पर L2 जो है वो हो जाएगा L1/3, ये लिख सकते हैं। अब आगे कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट। अगर पहले वायर में डेल्टा L इलोंगेशन किया A फोर्स से तो दूसरे वायर में इतना ही इलोंगेशन करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पता है जो इलोंगेशन होता है ये हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ कहता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। यहां से इलोंगेशन डेल्टा एल निकालेंगे तो आएगा एफ इंटू एल बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। ठीक, तो अगर हम बात करें पहले वाले की तो पहले वाले में फोर्स दिया था एफ, लेंथ है एल वन, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। ठीक, दूसरे वाले वायर में भी इतना ही इलोंगेशन करना है, उसमें फोर्स जो है सपोज एफ टू लेना है, लेंथ L2 होना चाहिए, लेकिन L2 जो है वो L1/3 है तो मैं इसको L1/3 लिख दूंगा। यंग्स मॉडुलस सेम रखेंगे क्योंकि सेम मटेरियल कहा गया है, एरिया दिया गया है 3A। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो F2 है उसका वैल्यू आ गया 9F। ठीक है, तो जो पूछा गया था इसमें कि सेकेंड वायर को डेल्टा L से इलोंगेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो वो आ गया सी ऑप्शन यानी कि 9F। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है।
और कैलोरीमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसमें मिक्स किया हुआ है। कहा गया अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो दिया गया है, रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि इतना ग्राम वाटर है, ठीक, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 54 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ती है। अब कहा गया कि जब स्टीम में कन्वर्ट होता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 सीसी, है ना, जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये हमें पता करना है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो हीट सप्लाइड है वो दिया गया है 54 कैलोरी, है ना, आंसर जूल में दिए गए हैं तो मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 54 × 4.18 ये आएगा 225.72 जूल, ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने का तरीका क्या है, पी इंटू डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो प्रेशर जो है वो ये दिया गया है 1.013 × 10⁵। फाइनल वॉल्यूम जो है हम लेंगे स्टीम का, तो ये हो जाएगा 167.1 सीसी में दिया गया है, तो इसको 10⁻⁶ करेंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 0.1 ग्राम वाटर का लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 0.1 सीसी, यानी कि 0.1 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो ये हो गया 16.917, ये जूल में आ जाएगा क्योंकि हमने ऐसा यूनिट में रखा हुआ है। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, है ना, तो यहां से हमें डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करना है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, तो ये आएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। तो डेल्टा क्यू है 225.72 जूल माइनस वर्क डन है 16.917 जूल, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 208.7 जूल आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप कहेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला हमने ये क्यों यूज करा, क्योंकि जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर बताया गया है कि प्रेशर जो है सराउंडिंग प्रेशर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये वर्क हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हम लोग पी इंटू डेल्टा वी से फाइंड करते हैं, है ना, तो वही वाला फॉर्मूला यहां पर भी हमने अप्लाई किया है।